क्वेश्चन नंबर मैं कराने जा रहा हूँ कौन सा भाई 15 और 16 दो क्वेश्चन आ गए हैं लास्ट क्लास में मैंने 14 तक करा दिया था 15 और 16 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ठीक है और आज आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर होगा समझने की कोशिश करें 15 क्वेश्चन क्या दिया है पढ़ते हैं 15 क्वेश्चन में यहाँ दिया है एबीसी एक क्वाड्रेंट है एबीसी क्या है क्वाड्रेंट है ये रहा एबीसी एक क्वाड्रेंट है क्या है भाई ए बी सी एक क्वाड्रेंट ये रहा क्वाड्रेंट ठीक है और अगर इस ए बी बी और सी मिला दें तो बी सी जो है एक डायमीटर बन जाएगा किसका एक सेमी स्क्वायर का किसका बन जाएगा सेमी सर्किल का क्या बन जाएगा स्क्वायर मिल जाएगा बन जाएगा सेमी स्क्वायर का सर्किल बन जाएगा तो हमें ये निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या निकालना है नेचुरली ये जो है वो क्वाड्रेंट है तो ये 90 डिग्री एंगल होगा बड़ा शोर ना मचाना जो भी है सर एरिया ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में आपको पता है थीटा 90 डिग्री होता है थीटा कितनी डिग्री दिया हुआ है और इसका रेडियस जो है वो क्या होगा ए बी होगा और ए सी होगा जो कि कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर कितना है ये भी 14 और इन दो 14 से हम हाइपोटेनस की राइट एंगल हाइपोटेनस की लेंथ निकालेंगे जो हाइपोटेनस लेंथ होगी वही सेमी सर्किल की क्या बनेगी डायमीटर कहलाएगी ठीक है लिखते हैं इन राइट एंगल ए बी सी वी नो दैट पूरा आ रहा भाई बच्चों पूरा आ रहा है यस सर वी नो दैट हम जानते हैं क्या जानते हैं गाना कौन गा रहा भाई ढंग से गाओ ढंग से बी सी का स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर जहाँ ए बी है वहां पर भी 14 रखेंगे जहाँ ए सी है वहां भी 14 रखेंगे 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 पढ़ ले बेटा निकले किसी की कुछ हो रहा हो गया जिसकी प्रॉब्लम वो भी कितना आ गया 300 अब इधर जो स्क्वायर लगा था आपको दिख रहा है स्क्वायर लगा था कि स्क्वायर जो इधर जाके क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा फिर इसके एलसीएम ले लोगे आप क्या है एलसीएम 2 + 1 = 2 2 × 18 = 2 6 = 12 2 × 18 = 2 8 × 16 = 16 2 × 4 = 8 2 × 18 = 8 7 × 7 = 7 क्या जोड़ा बाहर निकले एक 2 का और एक 7 का 2 और 7 बाहर निकल गया अंदर क्या बचा 2 बचा क्या आएगा 7 × 14 √2 सेंटीमीटर ये BC निकल गया और ये BC जो है जो आपका निकला है 14 √2 सेंटीमीटर ये इस वाले सर्किल का क्या है डायमीटर है यानी D कहलाएगा D = BC बराबर में 14 √2 सेंटीमीटर इससे आर निकाल लोगे इसका तो इस वाले को आर माना था इसको कौन सा आर मानोगे D1 मानो तो इसे R1 मान लो R1 में हम कंसिडर कर लेंगे क्या है D1/2 यानी 14 √2/2 2 × 7 = 14 कट जाएगा 7 √2 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस आ जाएगा सर्किल का किसका आया रेडियस ये सर्किल का ये जो है सर्किल का रेडियस है सेमी सर्किल का आएगा सेमी सर्किल सेमी सर्किल का रेडियस है और ये जो रेडियस है वो क्वाड्रेंट का है ये रेडियस किसका है क्वाड्रेंट ठीक है तो अब हमें सब चीजें मिल चुकी हैं अब हम एक काम करते हैं अगर हम इस क्वाड्रेंट के अंदर सेगमेंट निकाल लें ये जो सेगमेंट दिया है ये निकाल लें और सेगमेंट को सेमी सर्कल में से माइनस कर दें एरिया में से तो ये शेडेड रीजन निकलेगा नहीं निकलेगा या शेडेड रीजन हैं चलो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट क्या निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट सेगमेंट तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू फार्मूला आएगा थीटा बटे में 360 तो नहीं आएगा क्योंकि थीटा 90 डिग्री तो क्या आएगा 1/4
पाई आर स्क्वायर माइनस डबल ट्राइंगल क्या जाएगा हाफ आर का स्क्वायर, सर आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा 1/4 पाई माइनस 1/2, ठीक है, जहां पर भी आर है ऐसा भी कर सकते हो, और एक नया तरीका सिखा रहा हूं और आसान हो जाएगा अगर उससे सीख जाओगे आप, कैसे इसे यहाँ 4 है जैसे 4 बनाने से 2 सबके पास यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो, इस तरह क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 2/2 टू द 4 आर स्क्वायर। अब आपको देखिए सर क्या चीज एक जैसी लगी दोनों के अंदर, एक तो 4 एक जैसा, दूसरा आर स्क्वायर आर स्क्वायर जैसा, तो अगर ऊपर से आर स्क्वायर और नीचे से 4 कॉमन ले ले अंदर क्या हो जाएगा पाई माइनस 2 बचेगा, नहीं हो जाएगा पाई माइनस 2, और पाई की वैल्यू यहाँ क्या पुट करनी है दूसरे लिखा तो पाई पाई और आर कितना दिया है 14 × 14/4 22/7 माइनस 2 एलसीएम ले लो, 2 × 4 दो सत्ते, 2 × 1 = 2 14 क्या हो जाएगा 7 × 7 अंदर एलसीएम ले लिया 7 × 14 एलसीएम आ जाएगा, 7 × 7 7 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 14 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 22 7 × 7 = 49 आ गया, काटना है तो काट देना इससे आराम से कट रहा है, तो क्या बच रहा है 22 × 14 गए कितने बचे 8 बचे 60 × 56 सेंटीमीटर, ये निकल गया इसका एरिया, क्या एरिया निकल गया एरिया ऑफ सेगमेंट। अब हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये आ रहा मोबाइल में पूरा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो निकलेगा वो क्या निकलेगा एरिया ऑफ सेमी सर्किल में से यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 में से स्क्वायर जो है वो यार आर कौन सा मानेंगे ये वाला मानेंगे आर वन वाला, तो पाई आर वन पूरे का सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और आधे का क्या होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 और आर इसमें क्या आर वन है आर गया इसमें जो आर वन ये दिया हुआ ये आर वन है यहाँ से ठीक है ये मान लिया इसमें से माइनस कर देंगे सेगमेंट का एरिया क्या निकला था 56 निकला था क्या निकला था 56 56 माइनस कर देंगे पहले पुट करेंगे 22 बटे में 7 पहले से ये 2 दिया हुआ है आर आर 1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास 7√2 और 2 बार है तो इसलिए 2 बार गुणा में लिखेंगे 7√2 और माइनस 56 काट देते हैं 7 एकम 7 एकम 2 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 एकम
एक सात बचा, उसके बाद ये रूट टू का एक पेयर बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? अब बताया था ना पेयर बाहर निकल जाता है, ये रूट टू का पेयर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी में आता है? ये तो दो दो ऊपर का है ना। ठीक है, एक ग्यारह बचा, एक सात बचा, जोड़ा बाहर रह गया माइनस छप्पन, ग्यारह सत्तर सतहत्तर होता है ना, और दो से गुणा कर दे, सात दुनी चौदह, हाथ से लगाए सात चौदह और एक कितना जाएगा पंद्रह, तो एक सौ चौवन माइनस छप्पन, अगर एक सौ चौवन में से छप्पन माइनस करें तो 98 आएगा, नहीं आएगा? यस सर, ये आंसर आ गया 98 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर निकल गया शेडी रिजल्ट। ठीक है, चलिए उतार लीजिए, बंद कर दे, अगले क्वेश्चन स्टॉप कर दे।